जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पश्चिमी घाट। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पूर्वी घाट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था। आज हम लोग पश्चिमी घाट को देखेंगे। तो होता क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसके दोनों किनारे यानी पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारे में क्या है, एक पर्वत श्रेणियाँ है। पूर्वी किनारे में जो पर्वत श्रेणियाँ है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उस पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। और पूर्वी जो घाट है उसके दोनों किनारों पर, एक किनारे पर क्या है, लंबी पट्टी है, उसको बोलते हैं पूर्व तटीय मैदान। और पश्चिम घाट के पास भी एक लंबी तटीय पट्टी है, उसको पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इतना हम लोग पहले से जान चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि हम लोग जो पूर्वी घाट है ये पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है, पश्चिमी घाट उससे अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। और ये जो है ये सतत नहीं है, रेगुलर नहीं है, असतत है, और ये रेगुलर है। इतने सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। और ये इसका निर्माण काफ़ी पुराना है, अरावली के बाद भारत में अगर कोई सबसे पुराना पर्वत है तो यही है, और ये उससे कम है, ये नूतन है, नया है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पश्चिमी घाट को कवर करने जा रहे हैं। तो उस क्रम में हम लोग को इस क्षेत्र का भौगोलिक जो चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तो हम लोग उसको सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे वर्धा श्रेणी है, और यहाँ पे मांडवा श्रेणी है, यहाँ पे गिर पहाड़ी है, गिर वन ना, यहाँ पे बड़ा जो बाघ मिलता है बब्बर शेर, वहाँ पे हो गया, इतना जान गए हम लोग। और ये विंध्यन श्रेणी है, इस तरफ विंध्यन श्रेणी, और यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पे सतपुड़ा है, और ये ताप्ती नदी है। दो नदी है, दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है वो ज्वालामुखी चट्टानों के से बना है ना। इसका सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ है। कौन है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इतना याद रखना है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, और वहीं उसके पूर्वी किनारे से यह जो ताप्ती नदी है वो निकलती है। इतना हम लोग को जानना जरूरी है। अब बहुत सारे चीज़ जो है जानना, ये बात है कि जो पश्चिमी घाट है उसका और भी नाम है, उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको सह्याद्री कहते हैं। ये संस्कृत नाम है। तो सह्याद्री किसको बोलते हैं और पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? तो कुछ स्थान है उस जगह से लेकर के पश्चिमी घाट कहा जाता है, और कुछ और अधिक ऊंचाई की में चल जाने के बाद वो सह्याद्री कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है सतमाला, ये हो गया सतमाला। इसी आसपास बालाघाट रेंज है, फिर अजंता श्रेणी है, और यहाँ पे ग्वालीगढ़ रेंज है ना। ये चार पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर ये चारों को मिला करके आप वहाँ से कहाँ चलाइएगा, केप कैमरिन यानी कन्याकुमारी तक का क्षेत्र को सह्याद्री कहते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी घाट अगर कहा जाए तो वो जो ताप्ती नदी के जो मुहाना है ना, या सतमाला से लेकर के जो नीचे तक आ पाइएगा कन्याकुमारी तक, या कार्डेमम पर्वत तक, इलायची पर्वत जिसको कहते हैं, वो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और जो सह्याद्री कहा गया उस पर अंतर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ से, किस किस रेंज से शुरू होता है ये सह्याद्री, और कहाँ से शुरू होता है पश्चिमी घाट, ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। और इस तरफ देख लीजिएगा, ये कोंकण तट है, कोस्ट है, या यहाँ पे कन्नट तट है, और यहाँ पे मालाबार तट है। इतना सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अब इतना हो गया। अब दूसरा क्या है कि ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रेणी है भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, हिमालय से भी अगर भारत में पूछा जाए, भारत में, केवल भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है, तो यही पश्चिमी घाट है। पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर और भी बोला जाए तो हिमालय के बाद, हिमालय तो ऐसे सबसे लंबा है लेकिन उसका विस्तार कहीं और भी है ज़्यादा दूर तक, तो हिमालय के बाद
पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, सह्याद्री भी कहते हैं, हो चुका है। जब हम सह्याद्री की बात करते हैं तो ये ग्वालियर रेंज से यहाँ तक आता है, आपका कार्डेमम रेंज तक, वो भी बताया जा चुका है। और जब पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ताप्ती नदी के मुहाने से वहाँ तक जाते हैं ना। और इसके उत्तर में ये जो क्षेत्र है उसमें सौराष्ट्र के तीन पहाड़ियाँ हैं, बारदा पहाड़ी और मांडवा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। ये कच्छ का रण क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, और ये कौन क्षेत्र है, काठियावाड़ा क्षेत्र है ना। और अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितना है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। तो अब कुछ पश्चिमी घाट के जो पर्वत शिखर हैं उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब पश्चिमी घाट के शिखर, पश्चिमी घाट के जो महत्वपूर्ण शिखर हैं, पश्चिमी घाट के शिखर, ये सब हम लोग जान जाते हैं। यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, ये सतत है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो यहीं पर बहुत सारे पर्वत शिखरें हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कलसुबाई है यहाँ पे, ये कहाँ है, कलसुबाई, 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 ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दो श्रेणियाँ हैं, और ये महाराष्ट्र में हो गया, और दूसरा महाबालेश्वर, महाबालेश्वर ना, इसकी ऊंचाई 1293 मीटर, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर यहाँ पे कुडेमुख, 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 यहाँ इसी के बगल में मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, ये बहुत ही फेमस है। यहाँ बाबा बुधन की पहाड़ी है, बाबा बुधन की पहाड़ी जो आयरन एस के लिए काफ़ी फेमस है। अब उसके बाद ब्रह्मगिरी, नीचे आ जा रहे हैं हम लोग, ब्रह्मगिरी, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। अब ये कर्नाटक का क्षेत्र चालू हो जाता है, कर्नाटका का क्षेत्र हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिल जाती है, समझ जाइए। ये जगह है नीलगिरी, यहाँ पे है नीलगिरी, बायोस्फेयर है काफ़ी अच्छा यहाँ पे। ये तमिलनाडु केरल, ये जंक्शन है, तमिलनाडु केरल और इसका जंक्शन हो गया तीन राज्यों का। और इसका सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, वो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और ऐसे तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, लेकिन जो नीलगिरी पर्वत है उसको हम लोग पश्चिमी घाट का ही हिस्सा मानते हैं। उसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अन्नामलाई है, यहाँ पे अन्नामलाई, 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 इसका सबसे ऊंची चोटी है अनय, अनय मुद्दी, अनय मुद्दी। ये जो अनय मुद्दी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। फर्स्ट यही अनय मुद्दी है, दूसरा दोदा बेटा है, इसको याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन है। यहाँ पे फिर इसके बाद एक गैपिंग है, फिर यहाँ पे चार पहाड़ियाँ हैं, तीन पहाड़ियाँ ऐसे करके, यहाँ पे, यहाँ पे तीन पहाड़ी, इधर में पालनी की पहाड़ी है, और ये इधर में कार्डेमम मतलब इलायची, छोटा इलायची होता है वहाँ पे। और यहाँ पे यहाँ हो गया, इतना ही हो गया अब इस जगह में इतना। और एक यहाँ पे महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी, इतना हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे अनय मुद्दी हो गया। तो इतने ही जो पर्वत शिखर है पश्चिमी घाट में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कलसुबाई मुख्य हो गया, महाराष्ट्र में दो ठो है, कलसुबाई और महाबालेश्वर हो गया, और यहाँ पे कुडेमुख और मुल्यान गिरी, यहाँ बाबा बुधन की पहाड़ी के विषय में मैंने कहा। अब फिर ब्रह्मगिरी, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटक शुरू होता है। फिर नीलगिरी, ये मतलब तीन राज्यों का मिलन स्थल हो गया, ऐसे कर्नाटक में होता है ये। और ये तो
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, लेकिन जो इसको नीलगिरी को किसका हिस्सा माना जाता है, पश्चिमी घाट का ही। उससे नीचे आएंगे अन्नामलाई, अन्नई मुद्दी उसका सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर ना, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके नीचे आएंगे फिर एक पर्वतीय घाट है, वहाँ पर तीन पर्वतीय है, पालनी की पहाड़ी, कार्डेमम पर्वत और अन्नई मलाई, और उसके बाद नीचे महेंद्र गिरी, इतना ही आपका पर्वत शिखर है। तो हम लोग इतना सीखें, अब हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बहुत कुछ जाना कि पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, पश्चिमी घाट, ठीक है। और ताप्ती नदी के मुहाने से जो पर्वत श्रृंखला शुरू होती है वो कहाँ तक जाती है, केप कमोरिन तक, यानी कार्डेमम पर्वत तक जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। इसमें बहुत सारे तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, कन्नड़ तट है, ये सब। और ये उसके उत्तर में तीन पहाड़ियां हैं, उसके विषय में भी हम लोगों ने कहा, और ये सतमाला, ग्वालीगढ़, इसके विषय में भी हम लोगों ने कहा, ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं मुख्य, उसके विषय में भी हम लोगों ने जाना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनई मुद्दी, उसके विषय में भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से देखा। तो अब हम लोग वहाँ पर कैसी मिट्टियाँ हैं, कैसी चट्टानें हैं, कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, ये सब विषय में हम लोग अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे। इस प्रकार हमने देखा, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर बारिश यानी वर्षा रेन जो है वो कितना होता है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून पर निर्भर करता है, और भारत में जो भी मानसून है वो दो तरफ से उत्पन्न होती है, ये एक तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर से और एक अरब अरबियन सी यानी अरब सागर की तरफ से। तो यहाँ पे जो भी पूर्वी घाट है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जिसके कारण जो जो हवाएं हैं जिसमें जल से युक्त हवा है वो पार करके इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्षा करती है। लेकिन इस तरफ जो अरब सागर से जो हवाएं उठती है, जो जल अपने में नमी को धारण किए हुए रहती है, वो ये जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उस जो पश्चिमी घाट को पूरी तरह पार नहीं कर पाता है। तो ये जो उसका पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वो काफ़ी मात्रा में बारिश करती है, लेकिन पश्चिमी घाट के जो पूर्वी साइड में जो भी शहर टाउन आता है वह वृष्टि छाया में पड़ जाता है। तो इस जगह में इसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले इससे मुंबई का बात करते हैं हम लोग। तो एक तरफ मान लीजिए कि मुंबई है, यहाँ पे मुंबई हो गया, इस तरफ है ना, तो मुंबई इस तरफ हो गया। तो यहाँ क्या है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर इतना वर्षा होता है। लेकिन इस तरफ हवाएं जो है काफ़ी नहीं पहुंच पाती है, और इस तरफ जा करके ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। और जो पूना जो है वहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है, वहाँ पे मात्र 50 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। तो ये हम लोग मुंबई और किसका देख लिए, पूना को देख लिए। उसी प्रकार आप मंगलौर को देखिएगा, मंगलौर हो गया, वहाँ पर भी जो हवाएं अच्छी तरह से पार नहीं कर पाती है, इस तरफ वृष्टि छाया पड़ जाता है। यहाँ पर 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इधर जो मैसूर के पास है, मैसूर के पास मांड्या है, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो अरब सागर से जो भी मानसून उत्पन्न होता है वो जो काफ़ी जो ऊंचा है पश्चिमी घाट वो उसको पार नहीं कर पाता है, और पश्चिमी भाग में पर्वत के पश्चिमी भाग में तो काफ़ी वर्षा करती है, लेकिन उसका जो पूर्वी किनारा है वो वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टाउन हैं, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई हो गया, यहाँ पे ठाणे हो गया, गोवा हो गया, इस प्रकार और भी देखिएगा, मंगलौर हो गया, फिर कोचीन हो गया, कन्नूर हो गया, ये सब में काफ़ी वर्षा होती है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट है। और उसके उस साइड में जैसे नासिक हो गया, यहाँ पे
नासिक है वहाँ पे वृष्टि छाया पड़ता है, उसी तरह पूना हो गया वहाँ पे वृष्टि छाया पड़ता है, इधर में कोयम्बटूर हो गया वो सब क्या चीज़ में पड़ता है, वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्षा का प्रभाव पश्चिमी घाट में किस प्रकार होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे बारिश किस प्रकार होता है और कौन कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे महेंद्रगिरी हो जाता है, महेंद्रगिरी पर्वत हो गया महेंद्रगिरी, और उससे ऊपर आइएगा तो यहाँ पे एक इस प्रकार का गांठ मिलता है आपको, इस प्रकार का गांठ मिलता है। तो अगर उसको बनाया जाए तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, पर्वतीय गांठ है, ये पर्वतीय गांठ। ये पालघाट दर्रा है, यहाँ पे पालघाट पासेस है, उसका दक्षिण में, उसके दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ है जिसको अन्नई मुद्दी, अन्नई मलाई जो है पर्वतीय गांठ बोलते हैं। तो इस प्रकार ये अन्ना मलाई है, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, और ये पालनी की पहाड़ी है, और ये हो गया काडे मम पर्वत। तो यहाँ पे इस प्रकार ये क्षेत्र है, यहाँ पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है, तो ये एरिया आता है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये उत्तर में अन्नामलाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनई मुद्दी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण में काडेमम पर्वत है, दक्षिण में काडेमम पर्वत है, और ये जो इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, इसको इलायची पर्वत भी बोलते हैं, काडेमम इंग्लिश वर्ड है, और उस इलायची पर्वत, वहाँ इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और इल्ला मलाई भी कहा जाता है, इसका तीन नाम मैंने बताया, इलायची की खेती, इल्ला मलाई, काडेमम पर्वत। पालनी की पहाड़ी भी बहुत ही फेमस है, पालनी की पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी भाग में है, पालनी की पहाड़ी उत्तर पूर्वी भाग में है, और यहाँ पे ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टाउन है कोडाईकनाल, कोडाईकनाल बहुत ही फेमस ये टाउन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे इतना चीज़ हो गया ना, यहाँ पे जो पर्वतीय घाट है इतना आ गया। अब हम लोग उससे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इससे ऊपर की ओर, यहाँ पे पालघाट दर्रा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो पश्चिमी घाट है और यहाँ पे पूर्वी घाट का मिलन है, ये कैसा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत के विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, नीलगिरी पर्वत कैसा है, ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक पर्वत, और पहला ना नीलगिरी पर्वत, दूसरा और भी याद कीजिए, चार नो काइट पठार से बना है, चार नो काइट पठार से बना है, कौन, नीलगिरी पर्वत, चार नो काइट पठार से बना है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इससे पहले भी मैंने बताया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। और तीसरा ये हो गया, यहाँ पे बहुत ही फेमस एक टाउन है ऊटी, हिल स्टेशन भारत का बहुत ही फेमस, इसका दूसरा नाम ऊट कमंडल, ऊंट कमंडल भी है, ऊंट कमंडल भी है ना। अब इसका जो दक्षिण भाग, पालघाट के दक्षिण भाग में एक दर्रा है, पास है, पल कक्कड़ गैप, पल कक्कड़ गैप इस जगह में मिलता है, आप पहाड़ी को आसानी से वहाँ से पार कर सकते हैं। और ये तीन राज्यों
जो प्रदेश में इसका विस्तार है किसका, नीलगिरी पर्वत का, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु केरला में है ना, और तमिलनाडु केरल और क्या बोलेंगे कर्नाटक में, कर्नाटका में है ना, ऊटी या उटकमंडल यहाँ पर है। और ऊटी में ही एक जगह है विजयनगर, विजयनगर वहाँ पे रोज़ गार्डन है, रोज़ गार्डन, ये जो रोज़ गार्डन है भारत का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है, सबसे बड़ा रोज़ गार्डन गुलाब का संग्रहण है वहाँ पे, गुलाब की 2150 प्रजातियाँ वहाँ पे है ना। अब दूसरा केरल का सदाबहार वन, सदाबहार वन बहुत ही फेमस है, यहाँ पर पत्तियाँ नहीं गिरती है, वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं, उत्तर भारत में तो पर्णपाती बने पाई जाती है, इतना याद रखना है। अब आठवां साइलेंट वैली, शांत घाटी के लिए भी ये फेमस है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ना समझ जाइए उतना होता है। अब ये जो क्या बोलेंगे इसको, ये जगह है क्या बोलते हैं इसको, नीलगिरी पर्वत, उसका मतलब क्या बोलेंगे, ये उल्लेख 11वीं और 12वीं शताब्दी में भी देखने को मिलता है, एक पुस्तक है शिल्पा पादिकरम, शिल्पा पादी क्रम में इसका उल्लेख मिलता है। तो हम लोगों ने देखा आज बहुत सारे चीज़ों को, तो यहाँ पे पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक पर्वतीय घाट है, इसके विषय में जो तीन वहाँ पे पर्वतें आकर के मिलती है, पालनी की पहाड़ी, काडेमम के विषय में मैंने वहाँ कहा जहाँ पर इलायची की खेती होती है, इल्ला मलाई भी उसे कहते हैं, उसके बाद कलपक्कड़ गेप के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे चीज़ों को बताया, नीलगिरी पर्वत जो ब्लॉक पर्वत है चार नौकायक पठार से बनी है, इसका उल्लेख 11वीं और 12वीं शताब्दी में शिल्पा पादिकरम में मिलता है, और वहाँ पे साइलेंट वैली ना शांत घाटी भी पाया जाता है, और जो ऊटी भारत का एक प्रमुख बहुत ही हिल स्टेशन माना जाता है, उसको उटकमंडल भी कहते हैं, वहाँ पे है। और दूसरा कि वहाँ पे एक रोज़ गार्डन है जो ऊटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ना, वहाँ पर रोज़ का जो 2000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, या भारत का सबसे ज़्यादा रोज़ वहीं पे मतलब प्रकार की पाई जाती है। और इतना हो गया ना, और जो क्या बोलेंगे नीलगिरी पर्वत है उसका विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु केरल और कर्नाटका में, लेकिन नीलगिरी पर्वत जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है उसको हम लोग पश्चिमी घाट का ही हिस्सा मानते हैं, और इसका जो उल्लेख 11वीं और 12वीं शताब्दी में शिल्पा पादिकरम में मिलता है ना, और कलपक्कड़ गैप के विषय में भी मैंने आपको कहा। अब यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है ना उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिलती है ना, जगह जगह मतलब जगह जगह में यहाँ पे चट्टानें, अलग अलग चट्टानें मिलती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी घाट में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चट्टानें पाई जाती है ना, तो ये जो चट्टानें हैं अलग अलग स्थानों में अलग अलग चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, तो एक यहाँ पे 16 डिग्री अक्षांश हो गया और यहाँ पे एक 11 डिग्री अक्षांश हो गया, ये मंगलौर हो गया, यहाँ पे मंगलौर, यहाँ पे गोवा, तो इसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, इसको मध्य सह्याद्री और इसको दक्षिणी
सहयात्री ना। तो जो पश्चिमी घाट है उसको तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी सहयाद्री, सहयाद्री, मध्य सहयाद्री और दक्षिण सहयाद्री। और उसको बांटने का काम करती है 16 डिग्री अक्षांश और 11 डिग्री अक्षांश, गोवा और मंगलोर का जो जो अक्षांश से पार होती है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग चट्टाने पाई जाती है। तो इस प्रकार मुंबई तरफ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो भी चट्टान है उत्तरी सहयाद्री में, उत्तरी सहयाद्री में यहाँ पे दक्कन लावा का प्रभाव है ना, यहाँ दक्कन लावा का उद्गार हुआ है, दक्कन लावा का उद्गार हुआ है ना। और यहाँ बहुत मात्रा में ये लावा जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। बैसाल्टिक चट्टान जो है टूटता फूटता है, बैसाल्ट चट्टाने जो है टूटने से क्या बनी है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण, ब्लैक सॉयल ना। तो इस प्रकार है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, कलसुबाई, और सेकेंड में पुष्पा गिरी। अब दक्षिणी सहयाद्री की बात करते हैं हम लोग, दक्षिणी सहयाद्री, दक्षिणी सहयाद्री। तो यहाँ पे आर्कियन चट्टान पाया जाता है, आर्कियन चट्टान, जो सर्वप्रथम जो चट्टाने थी बहुत उसमें अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, उसके बाद ये आर्कियन चट्टान क्या चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, धारवाड़ चट्टान। तो सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन चट्टान है, वो काफ़ी कठोर थी और उसमें अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, कुछ मुलायम हुई और का चीज़ में बन जाते हैं धारवाड़ चट्टान। तो ये जो चट्टान है आर्कियन और धारवाड़ चट्टान ना, तो ये इस दक्षिण सहयाद्री में पाया जाता है। तो ये काफ़ी यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, और खनिज सबके लिए बहुत ही फेमस है ना, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया बाबा बुधन की पहाड़ी, जो आयरन एस के लिए बहुत ही फेमस है बाबा बुधन की। अब कर्नाटक का एक जिला ही है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला सोना के लिए फेमस है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि चट्टाने यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम लोगों ने पाया कि जो पश्चिमी घाट है उसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी सहयाद्री और फिर मध्य सहयाद्री और दक्षिण सहयाद्री। और जो बांटने का काम कौन सा करता है, 16 डिग्री अक्षांश और 11 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश कहाँ पे है, आपका गोवा में, और 11 डिग्री मैंगलोर में है। और जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग चट्टाने भी पाई जाती है। और उत्तरी सहयाद्री में कौन सी चट्टाने पाई जाती है, लावा का उद्गार हुआ है, बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है और वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी सहयाद्री में क्या है, आर्कियन चट्टान पाई जाती है, जो काफ़ी पुराना है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है, और उसमें अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, और वो क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, धारवाड़। तो ये जो आर्कियन का ही एक दूसरा रूप है धारवाड़ ना, उसमें धात्विक खनिज पाई जाती है, यानी दक्षिणी सहयाद्री है जो खनिजों का आकुत उसमें भंडार है, बाबा बुधन की पहाड़ी के विषय में मैंने कहा, और उसके बाद जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है उसके विषय में भी मैंने कहा। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके विषय में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये तो आपका हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। यहाँ पे नासिक के पास एक पहाड़ है त्र्यंबकेश्वर ना, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अब फिर आइएगा यहाँ महाबालेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ये हो गया कृष्णा नदी होती है ना। अब यहाँ पे ब्रह्मगिरी,
यहाँ से कावेरी नदी निकलती है ना, तो ताल कावेरी भी बोलते हैं ब्रह्मगिरी को। और इस तरह यहाँ पे इतना ही नदी है, और इस गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक बहुत ही फेमस झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील ना, अब इस तरफ एक और नदी है, इस तरफ बहती है, वो सरावती है। सरावती वहाँ पे एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, जोग पर पात। तो नदियाँ में इतना ही है, और इसका ढाल तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पारादीप पठार का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए नदियाँ उस तरफ ही ज़्यादा बहती है। और ये नदियाँ जो ढाल बहुत ही क्या है, कम है, जिसके कारण नदियाँ जो है टेढ़ी माढ़ी रास्ता से होकर के गुजरती है, और बहुत उसका जो प्रवाह रहता है बहुत ही धीरे रहता है, और इस तरफ में डेल्टा का निर्माण करती है। और इस तरफ जो भी नदियां हैं इसका ढाल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो जो नदियां हैं तीव्र गति से चलती है और इधर एस्चुरी का निर्माण करती है ना। अगर ढाल देखा जाए तो ये आपका ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ये कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का ढाल हो गया। और फिर ये हो गया पारादीपीय पठार ना, पारादीपीय पठार। और फिर यहाँ पे आपका ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे हो गया पूर्वी घाट, इसका जो ढाल है ज़्यादा नहीं है, 10 डिग्री है ना। तो और पारादीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समुद्र है तो नदियाँ उधर को ही बहती है, और इधर जो भी नदियाँ बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। इधर जो भी नदियाँ बहती है वो क्या चीज़ का निर्माण करती है, आपका नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नदियाँ कौन कौन सी, क्या क्या होता है इधर में। तो अब और भी कुछ बातें हैं, तो इस तरफ जो नदियाँ हैं पश्चिमी घाट और इधर में पूर्व घाट की नदियाँ, तो इधर में जो भी नदियाँ हैं बहुत ही धीरे बहती है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता अपनाती है, और ये क्या चीज़ का निर्माण करती है, डेल्टा का। और जो पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं उसका जो वेग है बहुत ही स्पीड रहता है, और ये क्या चीज़ का निर्माण करती है, एस्चुरी ना। अब जब डेल्टा का निर्माण करती है, जब धीरे बहती है नदियाँ, तो अपने साथ में अवसाद को लाती है, अवसाद जब लाती है तो डेल्टा का निर्माण होता है। और इस तरफ में क्या होता है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह इस तरफ ही पाया जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह इस तरफ पाया जाता है ना। प्राकृतिक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिम तटीय मैदान के तरफ ही क्यों पाया जाता है, अरब सागर तरफ ही, उसका एक ही कारण है, यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं वो तीव्र गति से आती है और अपने साथ अवसाद को नहीं लाती है। नदियों का जो पानी रहता है काफ़ी साफ रहता है, और वो प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण करती है। और इधर जो भी बंदरगाह है पूर्वी तटीय मैदान तरफ पूर्वी घाट के तरफ, वो कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है। और इस तरफ रियो तट का निर्माण भी होता है, रियो तट याद रखिएगा, एक होता है फियोर्ड तट और ये रियो तट इस तरफ बनता है, रियो तट एस्चुरी और रियो तट भी, रियो तट पश्चिमी भाग में, फियोर्ड तट बनता है कैसा जगह में, जहाँ पर ग्लेशियर्स है ना। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। अब हम लोग चलते हैं पासेस दर्रा, तो कौन कौन सी दर्रा है ना, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं दर्रा कहाँ कहाँ पर, दर्रा कौन कौन सी है पश्चिमी घाट में, जिसको हम दर्रा क्या होता है, पासेस क्या होती है, वो पहाड़ को पार करने का एक रास्ता होता है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। आप उसको
एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से आसानी से एक पतला रास्ता रहता है उसे पार कर सकते हैं। तो दर्रा जिसको बोलते हैं पासेस, में मुख्य रूप से चार पासेस हैं, चार दर्रे हैं। तो उस चार दर्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे क्या है, मुंबई। तो मुंबई से एक यहाँ पे पास है, यहाँ पे एक पास है, इसको बोलते हैं थाल घाट। क्या कहते हैं, थाल घाट। आप थाल घाट को पार करके ही कहाँ जा सकते हैं, नासिक। थाल घाट को पार करके कहाँ पहुँच सकते हैं, नासिक। और ये प्रश्न आजकल तो बहुत कम पूछा जा रहा कि मुंबई से नासिक कैसे जाएंगे, कौन सा दर्रा सफ़र। अब आजकल दूसरे प्रकार का प्रश्न हो जाता है, अब यहाँ से आप इंदौर भी जा सकते हैं, इंदौर भी जा सकते हैं, यहाँ से आप आगरा भी जा सकते हैं। इसी जो भी ट्रेनें आएगी, बसें आएगी, वही माध्यम से आएगी वो मुंबई। उसको जाना है आगरा से मुंबई तो थाल घाट को ही पार करेंगे। वहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। फिर उसका आगे आइएगा तो एक और गैप है, थाल घाट हो गया, इसको कहते हैं भोर घाट। भोर घाट मुंबई से आइए इस तरफ आइए ना, वही मुंबई से ही भोर घाट, ये कहाँ पहुँचा देगा आपको, पूना। पूना, पूना से बेलगाम आ सकते हैं, बेलगाम आ सकते हैं, फिर यहाँ से चेन्नई आ सकते हैं ना। उसका फिर आगे बढ़िए, ये पाल घाट आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ आ जाएगा, पाल घाट। यहाँ पर कोच्ची है, मान लीजिए कोच्ची से आप कहाँ जा पार हो सकते हैं, कोयम्बटूर पार हो सकते हैं, कोयम्बटूर। फिर यहाँ पर एक गैप है, सोनकट्टा गैप, सोनकट्टा गैप। यहाँ तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम से आप मदुरई जा सकते हैं, मदुरई। फिर वहाँ से शिवकाशी जा सकते हैं। तो ये चार पासेस है, उसमें से मुंबई के पास में थाल घाट है, भोर घाट है, या मुंबई से ही आप नासिक उसिक जा सकते हैं थाल घाट से, और भोर घाट से आप पूना जा सकते हैं मुंबई से, पाल घाट से में कोच्ची से कोयम्बटूर जा सकते हैं, सोनकट्टा एक गैप है वहाँ पर से आप मदुरई जा सकते हैं। इस प्रकार चार पासेस हैं। और यहाँ पर अब कोंकण रेलवे को देखते हैं, कोंकण रेलवे ना, ये कोंकण रेलवे बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध रेलवे। कोंकण रेलवे बहुत ही फेमस है, इसकी स्थापना कब हुआ, शुरुआत, प्रारंभ, स्थापना नहीं, प्रारंभ 1990 में हुआ। तीन स्टेट्स को फायदा हो रहा है यहाँ पर, तीन प्रदेश है, प्रदेश महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक, तीन स्टेट्स को इससे लाभ हो रहा है। ये कहाँ से शुरू होता है, महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होता है, महाराष्ट्र के रोहा से कहाँ तक है, मंगलौर तक चलता है ना। एक बहुत ही फेमस सुरंग है यहाँ पे, कारपोट सुरंग, बहुत ही लंबी सुरंग है। ऐसे तो यहाँ 7 से अधिक टनल है ना, और 150 से ज़्यादा पुल है ना। पर्वत के किनारे किनारे ये है, मुंबई से इस तरफ मानिए इस तरफ आएगा ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में उसका हेड क्वार्टर ना। और कुल लंबाई 736 किलोमीटर, 700 से ऊपर ही है इसका लंबाई ना। और स्थापना आपका 26 जनवरी 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो पश्चिमी घाट है उसका काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, इसका कहाँ कहाँ से इसका ये है, कौन कौन सी पासेस है और कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन सी नदियाँ इससे बहती है, और इसमें कौन कौन सी मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, इस सब के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। नीलगिरी पर्वत के विषय में पढ़ा और जो दर्रे के विषय में भी पढ़ा। आशा है आप इससे काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।